नमस्ते, सुस्वागत है आज आपका एक ग्राफोलॉजी की कैपिटल लेटर्स की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैपिटल लेटर ई के बारे में। कैपिटल लेटर ई को हम डीप अंडरस्टैंड करने से पहले समझते हैं कि कैपिटल लेटर ई कहता क्या है। कैपिटल लेटर ई ये बताता है हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हमारा एक्सप्रेसिव नेचर है उसके बारे में बताता है कैपिटल लेटर ई। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो जब हम बात करते हैं विशुद्धि चक्र की, जब हम बोलते हैं कि हमारे कंठ में सरस्वती का वास है, तो आपका जो थ्रोट चक्र है, आपका जो विशुद्धि चक्र है, आपका जो एक्सप्रेसिंग नेचर है, उसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो बताता है कैपिटल लेटर ई। अभी हम इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक पर्सन एक्सप्रेसिव है। कोई पर्सन अपनी कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करता है चीजों को, कोई पर्सन अपने बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है। तो आज हम जानेंगे किस तरह से कैपिटल लेटर ई को हम लिखते हैं और वो बताता है जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका एक्सप्रेसिव नेचर किस तरह का होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डीप कैपिटल लेटर ई। सो स्वागत है आज आपका ग्राफोलॉजी विद इंद्रजीत चावला। सो लेट्स स्टार्ट। और हम काफी टाइम से ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स को चक्रास के साथ रिलेट कर रहे हैं, राइट? तो आपने चक्रास की वीडियोस, फर्स्ट वीडियो देख लेनी है कि हम किस तरह से लेटर्स को चक्रास के साथ रिलेट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैपिटल लेटर ई। अगर हम बात करें, हम कैपिटल लेटर ई के बारे में बात करें तो हम इस तरह से कैपिटल लेटर ई लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको कि जो हमारा ये अपर एरिया, अगर हम चक्रास की बात करते हैं तो ये हमारा क्राउन चक्रा हो गया जो कि हमारे थॉट्स की बात करता है, और ये हमारा रूट चक्र हो गया जहां पर हम बोलते हैं मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है, ये हमेशा हमारी गट फीलिंग की बात करता है। अब क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हमको स्कूल में ऐसे ही सिखाया गया है कि जो कैपिटल लेटर ई, जो क्रॉस बार है, ये क्रॉस बार ये हमेशा सेंटर में होगा, मोस्टली सेंटर में होता है, लेकिन हम लिखने का तरीका सबका अलग होता है, उस पर बात करेंगे। तो सेंटर में क्या होता है, हमारा इमोशनल एरिया, ठीक है? तो हमारा जो इमोशनल एरिया है, या हम बात करें हमारे हार्ट चक्र की, ये हमने समझ लिया। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो लेटर ई है वो एक्सप्रेशंस की बात करता है। तो जब भी हम कैपिटल लेटर ई लिखते हैं, अगर इस तरह का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की। यहाँ पे हम कुछ नहीं सोच रहे, मेरे मन में विचार आया, मुझे एक्सप्रेस करना है, मेरी गट फीलिंग कह रही है मुझे एक्सप्रेस करना है, मेरे इमोशंस कह रहे हैं मुझे एक्सप्रेस करना है। लेकिन अगर हमने कैपिटल लेटर बी में भी बात की थी, कैपिटल लेटर बी भी देख लीजिए, वो भी थोड़ा ई की तरह ही लिखा जाता है, ओके? जैसे लेटर ई इस तरह लिखा जाता है, बट आप देख रहे हैं कि ये लेटर लेफ्ट को आ रहा है, राइट? और हमने बहुत बार ये लर्न किया ये चीजें कि जो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में हमारा पास्ट है, तो फ्यूचर में हम, फ्यूचर हमारा राइट साइड में है, तो यहाँ पर ये लेटर कैपिटल ई फ्यूचर में जा रहा है, हमारी हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार कहाँ पे जा रही है, फ्यूचर में, फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। बट यहाँ पर ये जो लेटर है, यहाँ पर भी एक्सप्रेसिव है, ये सी है, बट यहाँ पर क्या है, ये सी लेफ्ट में जा रहे हैं। तो जब भी कोई चीज लेफ्ट में जा रही है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन, वेदर मेरे माइंड में कोई थॉट आया, वेदर मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है, मैं अपने पास्ट की चीजों से रीचेक करूंगा। बट यहाँ पर कैपिटल लेटर ई में आप क्रॉस बार देख रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये फ्यूचर में जा रहे हैं, राइट साइड में। सो यहाँ पर क्या है, वट एवर थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, आई हैव टू एक्सप्रेस इट, थॉट आया, आई हैव टू एक्सप्रेस, गट फीलिंग क्या रही, एक्सप्रेस करनी, नो रीचेकिंग। बट हर एक व्यक्ति का थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। तो ये जो क्रॉस बार है, ये अगर सेंटर में आ गया, सेंटर इज अवर हार्ट चक्र,
तो जो मेरे दिमाग में कोई विचार आया, मेरे मन में विचार आया और मुझे उसको एक्सप्रेस करना है, मेरी गट फीलिंग भी जो बोल रही है, मैं जो भी थॉट एक्सप्रेस करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माई गट फीलिंग एंड अकॉर्डिंग टू माई थॉट, बट वो मेरा एक्सप्रेसिव नेचर कहाँ किस चीज को लेकर होगा, मेरे इमोशंस को लेके होगा, मतलब मेरे चक्रास को, इसको और डीप समझते हैं। ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि अगर आप मेरी बात करें, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको कोई भी एग्जांपल बताऊं, मैं कई बार सोचती हूँ कि नहीं अभी मुझे टू द पॉइंट जाके बोलना है, मैं बोल ही नहीं सकती, मतलब मैं उस चीज के इतना डीप चले जाती हूँ, चीजों को इतना रिलेट कर देती हूँ कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये तो इंदर मैम तो सिर्फ हमारी बात कर रही है, आप समझे ये चीज। तो ये आ गया इमोशन, जो आप ई का क्रॉस बार सेंटर में डालते हो, तो व्हाटएवर थॉट केम इनटू माय माइंड, मैं वो बात हमेशा अपने दिल से करती हूँ। आप कई बार देखिए कई लोगों का समझाने का तरीका होता है, वो भी एग्जांपल्स लेते हैं, बट हम बोलते हैं कि यार वो पर्सन अच्छा तो पढ़ाता है बट मेरे दिल को कनेक्ट नहीं हुआ, या वो पर्सन अच्छा तो वो मेरे दिल को कनेक्ट नहीं हुआ। वो दिल को कनेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होकर या वो इमोशनल होकर आपसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा, तो ये हमारा एक्सप्रेसिव नेचर हो गया, राइट। तो अगर आप ई का क्रॉस बार डाल रहे हैं सेंटर में, तो वो आपका एक्सप्रेसिव नेचर क्या है, आप इमोशंस, अपने इमोशन से एक्सप्रेसिव होते हो, आप ये नहीं सोच रहे वेदर ये अच्छा है या बुरा है ये चीज। अब मान लीजिए आप में से कई लोग ई का जो क्रॉस बार है, वेट, उनका ई का क्रॉस बार हम देखेंगे, बाकी आप चक्रास की वीडियो देख लेना, हमारी फर्स्ट वीडियो। अब कई लोग ई का क्रॉस बार इस तरह से डाल देते हैं, मतलब सेंटर में डालने की जगह थोड़ा ऊपर डाल दिया। तो अगर हम चक्रास की बात करें तो ये हमारा क्राउन चक्र हो गया, ये हमारा रूट चक्र हो गया, नाउ दिस इज व्हाट, ये हमारा विशुद्धि चक्र हो गया, या जिसको हम हमारा थ्रोट एरिया भी बोल देते हैं। तो अब ये पर्सन भी एक्सप्रेसिव होगा, ये पर्सन अपना नेचर को एक्सप्रेस करेगा जिसका ये विशुद्धि का हो गया, बट ये कहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, कम्युनिकेशन लेवल पर। मतलब कई बार हम किसी पर्सन से बात करते हैं ना, हम बोले मेरे मन को नहीं आया, बातें बड़ी अच्छी कर रहा था, क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो लॉजिकल बातें कर रहा था, वो लॉजिकल लेवल की बातें कर रहा था, बट वो ये नहीं सोच रहा था कि वो आपके दिल में आपकी जगह बनाए, मतलब ताकि उसको लॉजिकल बातें, तो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन। तो जिनका ई का क्रॉस बार ऊपर हो गया, तो ये जो पर्सन है इसको आपके इमोशन से कोई लेना नहीं है, उसको आपके इमोशंस को कोई सेटिस्फाइड नहीं करना, ठीक है, बट वो लॉजिकल बातें करेगा, तो वो जो भी इमोशंस एक्सप्रेस करेगा वो उसके कम्युनिकेशन लेवल पर होंगे, ये आपका हो गया। अब कई लोग मान लीजिए ई का क्रॉस बार, मतलब आप अलग अलग और भी चक्रास को रिलेट कर सकते हैं, बट मान लीजिए आपका ई का क्रॉस बार नीचे आ गया, सेंटर से नीचे आ गया, तो हम मानते हैं ये मणिपुर चक्र हो गया हमारा, इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, और जो हमारे येलो कलर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डोमिनेशन, और ये हमारे मिडल जोन की बात है, जहां पर हम हमारे खाने की बातें, हमारे आज की बातें, प्रेजेंट की बातें, रोटी कपड़ा और मकान की बातें करते हैं ज्यादातर, मतलब जो चीज मुझे प्रेजेंट नीड पर बात करते हैं। तो ये पर्सन जब भी बात करेगा ना, तो इसका मेन फोकस कहाँ रहेगा, आपकी प्रेजेंट नीड पर, मतलब रोटी कपड़ा जो आपकी नीड है उसके ऊपर बात करेगा, थोड़ा डोमिनेशन रहेगा इसके टोन में, तो इसका एक्सप्रेसिव नेचर इस तरह का होगा। तो जितने तरह के लोग हैं इस दुनिया में, उतने तरह के ई लेटर लिखते हैं। अगर आप भी ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हमारे ग्राफोलॉजी का कोर्स चलते रहते हैं, उसमें आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह कैपिटल लेटर्स अलग अलग तरीके से और भी आप लिखते हैं, उसको और अच्छे से आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में लेटर एफ के साथ, सो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।